जरा सोचो, एक फाइटर पायलट को पकड़कर दुश्मन सैनिक के घने जंगल में कैद कर लें, जहां से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक आर्मी कमांडर ने अपने फाइटर पायलट्स को उनके अगले मिशन के बारे में बताया कि इस मिशन में वो लोग पूरे देश को पार करके दुश्मन के ठिकाने पर बमबारी करेंगे। कमांडर ने ये भी बताया कि ये एक सीक्रेट मिशन होगा और पायलट्स इसके बारे में अपने घर पर भी नहीं बता सकते। इसके बाद उन्हें एक वीडियो की मदद से सिखाया गया कि प्लेन क्रैश होने पर कैसे खुद को जंगल में बचाए रखे। वहीं बैठा एक पायलट डीटर डैंगर अपने दोस्त के साथ इस वीडियो पर हंसने लगा। थोड़ी ही देर बाद पायलट उड़ान के लिए तैयार हो गए। इशारा मिलते ही डीटर ने भी अपने प्लेन के साथ उड़ान भरी और बाकी पायलट्स के साथ अपने निशाने की ओर चल दिया। कुछ घंटे लगातार उड़ने के बाद सभी प्लेन्स ने अपने अपने निशाने पर बॉम्ब फेंका। ऑर्डर्स के मुताबिक डीटर ने भी यही किया, लेकिन इसी बीच उसके प्लेन में आग लग गई और उसने प्लेन पर से अपना काबू खो दिया। उसका प्लेन भी रफ्तार से नीचे की ओर आने लगा और सीधा जाकर जंगल में क्रैश हो गया। पर खुशकिस्मती से डीटर जिंदा बच गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ था। उसे खड़े होते ही जंगल की तरफ भागकर खुद को छुपाना पड़ा, क्योंकि दुश्मनों की पलटन उसके पीछे थी। उसने अपना रेडियो और हथियार वहीं फेंक दिया और चुपचाप जंगल में चलने लगा। वो अपनी मदद के लिए चीजें ढूंढ रहा था और तभी उसे दो आलू मिले, जिन्हें उसने बाद के लिए बचा लिया। इसके बाद वो वहीं पर ठीक सी जगह देखकर सो गया। आंख खुलने पर जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखा, लेकिन वो तब तक उसे देख नहीं सकते थे जब तक वो धुएं की मदद से अपने वहां होने का इशारा नहीं करता। जैसे ही वो बाहर निकला तो एक माँ अपने बच्चे के साथ वहां से गुजर रही थी, पर उसने खुद को उनकी नजरों से छुपाना ही सही समझा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक चट्टान पर पहुंचा, जहां चढ़कर उसने अपने आसपास की जगह देखी और वो आसमान में अपनी टीम के किसी जहाज को मदद के लिए ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई भी अमरीकी जहाज वहां नहीं मिला। वहां से निकलकर वो एक नदी के पास पानी पीने पहुंचा, जहां पानी पीते वक्त दुश्मन के आदमियों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक आदमी ने उसे बालों से उठाया और कैद करके वहां से ले गए। जब डीटर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो जमीन से बंधा हुआ था। एक बच्चा उसके सर के पास बैठा खेल रहा था और वहीं पास में मौजूद सैनिकों ने उस पर नजर रखी हुई थी। कुछ समय बाद वो दुश्मन सैनिक एक ब्रिज को पार करते हुए वापस उसे जंगल में ले आए। जब वो घंटों चलने के बाद एक जगह आराम करने लगे, तभी एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरा। सबको लगा कि हेलीकॉप्टर ने उनको देख लिया है और वो खुद को बचाने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगे। इसका सारा दोष ये कहकर डीटर पर डाला गया कि उसने ही किसी को बुलाया होगा। उसने उन्हें बताया कि हेलीकॉप्टर घने जंगल में नहीं देख सकता, पर उन्हें उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और अचानक एक आदमी ने उसके कान के पास गोली चला दी। थोड़ी देर और चलने के बाद वो एक घर में पहुंचे, जो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन असल में वो दुश्मन का हेडक्वार्टर था। अंदर एक ऊंचे औहदे वाला ऑफिसर बैठा था, जिसने कुछ देर डीटर से बात करने के बाद उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहा, लेकिन डीटर ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया। अब इतने बड़े अफसर को मना करने का प्राइज तो मिलेगा ही, तो उन्होंने सजा के तौर पर उसको एक भैंस के पीछे बांधकर खूब घसीटा, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने देखा कि उन्होंने उसे उल्टा लटकाकर उसके मुंह के आसपास एक मधुमक्खी का छत्ता बांधा हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा कि डीटर को होश आ गया तो वो उसको धक्का देकर गोल गोल घुमाने लगे, जिसकी वजह से उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, पर उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि खुद को घूमने से रोक पाता। इतना ही नहीं, इसके बाद उसे एक कुएं में भी डुबा कर रखा गया। थक हार कर उन्होंने डीटर को एक झोपड़ी में डाल दिया, जो असल में उनकी जेल थी, जहां वो बाकी कैदियों से भी मिला, और वहां मौजूद सभी कैदी मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाने लगे। अगले दिन डीटर ने जब भागने के प्लान की बात की, तब उसे एहसास हुआ कि उनमें से कुछ कैदी ऐसे हैं जो सालों से वहां पर कैद थे, और उन्हें अब विश्वास हो चुका था कि वो जिंदा तो यहां से बाहर नहीं जा सकते, पर उसके पास एक प्लान था जिससे उन्हें वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो वहां से भागने में उसकी मदद करेंगी। वो एक गार्ड के पास गया और उससे दांत साफ करने के लिए एक टूथपेस्ट मांगा। बड़ी चालाकी से बात करते करते उसने पोल में से एक कील चुरा ली। रात को उसी कील की मदद से उसने सभी कैदियों की हथकड़ियां खोल दी। अगली सुबह भी वो भागने का प्लान बनाने में लगे रहे, पर कुछ कैदियों को घने जंगल में भागने से बेहतर जेल में रहना लग रहा था। उसी दिन अचानक से गार्ड्स उनकी हट में आकर तलाशी करने लग गए, जिसमें उन्हें एक कांच का टुकड़ा मिला जो कि लेंस की तरह था।
डीटर ने उनको समझाया कि वो इसका इस्तेमाल शेव करने के लिए करते हैं। बहुत समझाने के बाद वो सैनिक मान गए और उन्हें छोड़ दिया। बाद में वो चावल के दानों को एक एक करके इकट्ठा करने में लग गया और इन सब को उसने अपने पानी के घड़े में रख दिया। महीनों बीत गए और एक दिन सभी कैदियों ने अपने बुरे हाल के बावजूद भी डीटर का जन्मदिन मनाया और उसने वही चावल के दाने उन सब में बांट दिए। इसके बाद उसने बड़े ध्यान से निकलने का प्लान बनाया। उसने एक शीशे की मदद से अपने आसपास नजर डाली कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा और अपने आसपास किसी को ना देखकर वो बहुत खुश हो गया। पर तभी उन्होंने गार्ड्स को वहां आते सुना और सब एकदम शांत हो गए ताकि गार्ड्स को बिल्कुल भी शक ना हो। अगले दिन जब उनको खाना मिला तो वो बहुत ही कम था, पर उन्होंने फिर भी उसे बाद के लिए बचा लिया। रात को सभी ने मिलकर हट में एक छेद किया। प्लान के मुताबिक उन्हें इसी छेद से भागना था। डाइटर उन झोपड़ियों के नीचे से निकलकर दीवार के पास पहुंचा और उसने नीचे मिट्टी में एक गड्ढा किया। अगले दिन वो ड्वेन के साथ पिछली रात किए गड्ढे को देखने गया, पर एक गार्ड ने तभी उनको वहां से डांट कर भगा दिया। उनका प्लान तब तक अधूरा था जब तक वो भागने का दिन तय नहीं कर लेते, पर अभी भी कुछ कैदी वहीं रहने में ज्यादा खुश थे। एक ने तो उनको धमकी भी दे दी कि अगर वो यहां से भागे तो वो चिल्लाकर सबको बता देगा, पर डाइटर ने हार नहीं मानी और किसी तरह उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। उस रात उनमें से कोई सो नहीं पाया क्योंकि सबके दिमाग में प्लान ही चल रहा था। अगले दिन जब गार्ड्स उनकी हट में आए तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने सबकी बहुत धुनाई की और गोलियां भी चलाई। थोड़ा अत्याचार सहने के बाद किसी का भी वहां रहने का कोई मन नहीं था और सबको लगा कि भागने की कोशिश करने में ही भलाई है। सबने बैठकर ये तय किया कि सब अगले दिन भागेंगे। भागने से पहले डाइटर ने सबको वो चावल के दाने दिए जो वो इतने समय से जमा कर रहा था, ताकि रास्ते में उन्हें भूख ना लगे और शरीर में जान बनी रहे। सब एक साथ वहां से निकले और दीवार के पास गड्ढा खोदने लगे। जैसे ही सब छुपकर निकल गए तो डाइटर वापस हथियार उठाने हट के पास गया और हथियार उठाते ही वो सीधा वहां पहुंचा जहां सारे गार्ड्स खाना खा रहे थे। गोलियों की अंधाधुंध बौछार से सभी गार्ड्स को मारने के बाद उन्होंने सारा खाना उठाया और वहां से भाग गए। वहां से निकलकर वो एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचे जहां डाइटर ने सभी लोगों को बताया कि उनके दुश्मन उनसे बेहतर तरीके से इस जंगल को जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वो सब अलग अलग हो जाएं। सभी वहां से दो दो की टुकड़ी बनाकर निकले। डाइटर और ड्वेन साथ में ही थे। कुछ दिनों तक लगातार चलने के बाद वो एक नदी पार करने लगे जिसका बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किलों के बाद जैसे तैसे वो नदी को पार करने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने छुपकर देखा तो वहां एक शिकारी था। वो दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। थोड़ी देर छुपकर चलने के बाद डाइटर को एक जूता मिला जो उसने ड्वेन को दे दिया। उसके मुताबिक अब आसपास कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें पानी में फेंक दी। इसके बाद उन्हें आराम करने की एक जगह दिखी और वो दोनों वहां जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद ही उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और वो चीख चीख कर मदद मांगने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डाइटर ने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हट्स में आग लगा दी, पर आग को देखकर हेलीकॉप्टर ने तो उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हार मानकर वो फिर से चलने लगे और तभी उन्हें एक लड़का दिखा जिसके पास पानी था। क्योंकि दोनों को बहुत प्यास लगी थी तो उन्होंने उस लड़के से पानी मांगा, पर वो लड़का उनसे डर कर अपने बस्ती वालों को बुला लाया। बस्ती वालों ने बिना कुछ सुने उन पर हमला कर दिया जिसकी वजह से ड्वेन की मौत हो गई, पर डाइटर वहां से भाग निकला। उस रात वो सो भी नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखों में बस ड्वेन की मौत घूम रही थी। अगले दिन झाड़ियों से छुपकर उसने कुछ हथियार बंद गार्ड्स को देखा और फिर वो उनके जाने का इंतजार करने लगा। उनके जाते ही वो उनका बचा खुचा खाना उठाने के लिए भागा। उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसने अगले दिन एक सांप को पकड़कर उसे खाने की कोशिश की। अचानक उसे आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखा। उसने एक पत्ते को लहराकर उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अपने मन में तो वो भी उम्मीद छोड़ ही चुका था। लेकिन इस बार खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रस्सी फेंक कर डाइटर को ऊपर खींचा, तभी उनके दुश्मनों ने हेलीकॉप्टर को इतनी पास देखकर उन पर हमला बोल दिया। डाइटर किसी तरह बचकर हेलीकॉप्टर में वहां से निकल गया। जब उसने अपने बारे में बताया तो सभी को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने एक पायलट को जिंदा बचा लिया है जो इतने समय से जेल में था। उसे बेस में लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पर सभी फौजियों ने उसका जन्मदिन भी मनाया। इसके बाद डाइटर को एक टूर पर ले जाया गया जहां उसे बहुत सम्मान मिला और ये सब देखकर वो बहुत खुश भी था। कुछ समय और फौज में अपनी सेवाएं देने के बाद वो रिटायर हुआ और एक सिविलियन पायलट बन गया। तो अगर आपको फौज में भर्ती होने का मौका मिले तो क्या आप अपने देश के लिए अपनी जान पर खेल जाने का जज्बा रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।